हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो और तुम लोग? आई होप कि तुम लोग बहुत से हो गए और अपन 3 के सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड बढ़ते हैं पहली न्यूज की तरफ, तो बात कर लेते हैं रौनक एंड सोमराज के बारे में। एंड तुम लोग को पता होगा यार कि अभी रिसेंटली क्या कुछ मैटर वगैरह चल रहा है सोमराज एंड रौनक का। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि स्टार्ट कैसे हुआ था। तो रौनक जब अपने रिसेंटली यार लाइव पे आए थे, तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने स्काईलाइट्स गेमिंग को क्यों छोड़ा था। एंड ऑल्सो उन्होंने बताया कि स्काईलाइट्स गेमिंग के जो प्लेयर्स थे उनका बिहेवियर अचानक से चेंज होने लगा एंड उनको BGIS में खेलने का मौका नहीं मिला। तो इसी के बारे में यार ये सारी चीज़ें बोला था रौनक ने सोमराज को। तो इसके बाद में सोमराज जब रिसेंटली लाइव आते हैं तो इसी सीन के ऊपर में यार वो रिप्लाई करते हैं। तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो तुम अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। चलो इसमें बस कुछ कुछ पॉइंट पे बोलेंगे कि पॉलिटिक्स, अरे पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिशियन तो मैं ही हूँ, और परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हम लोग को जीतना था BGIS जो कि हम लोग जीते, उसके लिए चाहिए था हमें एक प्लेयर, अच्छा सपोर्ट प्लेयर जो कि हमें जीतने में हेल्प कर सके, वो मिल गया हमें डेस्ट्रो। और ये रौनक का ही बात था कि परफॉर्मेंस ऐसे धीरे धीरे जा रहा है भाई। अब अगर जब तक धीरे धीरे परफॉर्मेंस आएगा तब तक तो हमें और भी किक कर देगी। बात यहाँ आ जाती है कि कोई भी और अब उतना वेट नहीं करती है कि परफॉर्मेंस धीरे धीरे, बस OG को छोड़ के, OG तब भी तो टूर्नामेंट क्वालिफाई नहीं की। तो धीरे धीरे जो सोचने वाला है ना कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, वो सिर्फ OG सोचती है। मेरे को ऐसे चाहिए तेज़। तो रौनक का ये पॉइंट था और मैं हम उस बात पर अग्री नहीं करते थे। और क्या, और हाँ क्वालिफिकेशन बहुत मुश्किल था BGIS के लिए अगर वो रहता तो। BGIS हम लोग जीते और मेहनत करके, सो मेरा डिसीजन तो राइट ही था। इस पर कोई तोड़ नहीं है, ये इस बात का कोई तोड़ ही नहीं है। फिर जवाब देना सही भी नहीं था इसमें, क्योंकि हम BGIS जीत के सारा पॉइंट उसका प्रूव रॉन्ग कर दिया। एंड ऑल्सो इसके बाद में रौनक भी रिसेंटली लाइव आते हैं, उन्होंने बताया एंड सारी चीज़ें क्लियर करी जो भी यार सोमराज एंड रौनक का मैटर वगैरह चल रहा है। तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो तो अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। परफॉर्मेंस की बात तो अपन करते हैं, लाइक BGIS में खिलानी था, ठीक है, तो इन लोगों को लग रहा था कि मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा XYZ। सो तभी के स्टार्ट भी थे तो ऐसा कुछ खराब नहीं था लाइक परफॉर्मेंस, वो तो आई गेस सोम भी अग्री करेगा। सो दे वॉन्टेड कि इनको लाइक जीतना है और ऐसा XYZ जो भी हो, ठीक है, ये लोग जीते, आई अग्री ऑन दैट, ठीक है। बट मैं रहता तो मैं भी, ऑफकोर्स तुम लोगों को पता ही है, लकी चांस तो है रौनक, या सिंपल इज दैट। सो उसके बाद भी रेडबुल MEO हुआ था, उसमें भी आप गाइस जाके चेक कर लो अगर जिसको नहीं पता है, और जिसको पता है तो उसको ऑफकोर्स पता ही है कि रेडबुल MEO में भी गाइस रौनक खेला था। सो रौनक परफॉर्म रियली वेल, बट देन उसके बाद रौनक का खेलने का थोड़ा लेफ्ट राइट सीन हो गया था। बट देन यस, सोमराज का एक चीज मैं बताता हूँ कि जब मीटिंग हुई थी BGIS के टाइम पे प्लेयर्स की, सो सोमराज वॉज द ओनली वन हु सेड कि मुझे रौनक भी चलेगा या डेस्ट्रो भी चलेगा। सो या ये चीज मैं क्लेरिफाई करना भूल गया था, सोम ने लाइक मेरे कल याद आया उसके बाद। सो यस, ये जो हमारा क्लाउन है, एक हमारा एक्स क्लाउन, तो उसने लाइक ये जरूर बोला था, वो चीज मैं जरूर बोलूंगा इसकी, सोम ने बोला था कि मुझे कोई भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यस मी एंड सोम हैड अ वेरी गुड फ्रेंडशिप एंड मेरे साइड से तो आज भी है, ऐसा कुछ नहीं है। सो यस, सोम टोल्ड कि रौनक खेलेगा या डेस्ट्रो खेलेगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट अदर थ्री पीपल विच वर पुकार, गमला बॉय एंड जाइपेक्स का कुछ ज्यादा रोल नहीं था, बट पता नहीं जो भी था एक्स वाई जेड, बट पुकार गमला सेट कि नो वी वांट डेस्ट्रो, डेस्ट्रो का लाइक अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, सो वी आर मोर कॉन्फिडेंट विद डेस्ट्रो। तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन था नहीं, सो आई वॉज लाइक साइड लाइन एट दैट टाइम, यस दैट इज द राइट वर्ड टू यूज, साइड लाइन, यस, बिकॉज आफ्टर दैट ऑल्सो जब BGIS जीते तब भी डेस्ट्रो को आगे हटा दिया था या कुछ हुआ था, वो एक्जैक्टली मेरे को इतना पता नहीं। बट देन यस, रेडबुल का जो टूर्नामेंट हुआ था तुम्हारा भाई उसमें खेला था, परफॉर्म भी किया था, एंड देन उसके बाद आगे फिर वापस से थोड़ा ऐसा ऊपर नीचे हो गया था। सो यस, इट रियली अफेक्ट्स माई करियर टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा मेन करियर तो वॉज लाइक ई स्पोर्ट्स के थ्रू, बिकॉज गाइस आप लोग को ही पता होगा कि मैंने YT पे इतना ध्यान दिया नहीं था। यप, सो या मेरा था कि ये ई स्पोर्ट्स के इसमें, क्योंकि मैं पूरा टाइम प्रैक्टिस करता रहता था, खेलता रहता था, लाइक ये वो कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता था। बट देन यस, आई वॉज वेरी मच श्योर कि मुझे ई स्पोर्ट्स में आगे पूरा देखना है, करना है। सो या वहाँ पर थोड़ा मेरा ऐसा मुझे बुरा लगा लाइक दिल से, बट या सोम के थ्रू टूवर्ड्स इतना बुरा नहीं लगा, बिकॉज सोम वॉज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी। वहाँ पर भी सोम ने एक्चुअली बोला था कि यस रौनक विल प्ले एंड रौनक खेले या डेस्ट्रो खेले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे दोनों भी चलेंगे, बट अदर टू प्लेयर्स वर नॉट रेडी। सो या इट्स नॉट सोमराज फॉल्ट गाइस, मेरा और सोम का कोई सीन नहीं है, हम आज भी जिगरी आ रहे हैं, हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज की है, मजे किए हैं, और सोम लेक्सी मेरे पास है, ठीक है। एंड ऑल्सो जब रौनक लाइव आए थे तो उनसे काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि वो SA12 को कब ज्वाइन करने वाले हैं। तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो तो अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। SA12 कब ज्वाइन कर रहे हो? अरे यार SA12 करेंगे भाई, कभी ना कभी फॉर श्योर इन फ्यूचर करेंगे, अभी एडमिट स्टेटस में है, बहुत खुश है हम भाई।
एंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। तो बात कर लेते हैं टीम सोल के बारे में। तो यार इंडिया रैंकिंग के जितने भी टीम्स हैं सारे ही टीम का रैंकिंग वगैरह आ चुका है एंड जनवरी से अगस्त तक की है अभी ये रैंकिंग। एंड ऑल्सो तुम देख पा रहे होगे कि कितने नंबर पे कौन सी टीम है। एंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। तो बात कर लेते हैं स्काउट के बारे में। अब स्काउट की साइड से हमें एक स्टेटमेंट देखने को मिला था जिसमें उन्होंने बोला था कि जब तक बीजीएमआई में ग्लोबल मैच मेकिंग अवेलेबल नहीं होगा तब तक हम लोग यार ग्लोबल टीम्स के अगेंस्ट अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमारे पास यार एक्सपीरियंस होगा ही नहीं। एंड वीडियो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। तो बात कर लेते हैं गॉब्लिन के बारे में। अब गॉब्लिन जब रिसेंटली लाइव आए तो उन्होंने बताया कि बीजीआईएस से पहले उनको टीम एक्सो के भी साइड से ऑफर आया था ज्वाइन करने के लिए। तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। मतलब बीजीआईएस से पहले भी मेरे को आया था सोल्स ऑफर, बट इट वाज लाइक कि मैं स्टिक करना चाह रहा था मेरी टीम को। एक्सो का भी आया था मेरे को, जैसे सेंसी भाई ने बताया था तुम्हें सोल का और एक्सो का आया था। बीजीआईएस से पहले बोल रहा हूं, बीजीआईएस था ना, बीएमपीएस नहीं बोल रहा, बीजीआईएस पहला वाला ऑफिशियल टूर्नामेंट उससे पहले आया था। पर मेरे को ऐसा था कि मैं कॉन्फिडेंट था इन टीम को लेकर कि अच्छा खेलेंगे, तो मैंने स्टिक करा मेरे टीम को, तो स्टिक किया। बट कुछ हम लोग का आउटकम अच्छा नहीं आया, तो ऐसा था कि मुझको आया था पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे को इनसेन के साथ स्टिक करना था, तो मैंने गया नहीं मैं। तो उसके बाद मैं मतलब ऐसा था कि अच्छा जा रहे बीजीएस, तो मतलब अगर मतलब बीजीएस अगर खराब गया था ना तो मेरा था कि इनसेन मतलब छोड़ने का चांसेस है क्योंकि मैंने टीम को ऐसा स्टिक किया था बहुत टाइम तक। बट मतलब मेरे को ट्रस्ट भी था पर वो नहीं हुआ उस हिसाब से, तो मतलब उसके बाद मैंने छोड़ दिया और सोल ज्वाइन कर लिया था, ऐसा सीन था। तो बस यार अभी के लिए इतनी न्यूज़ थ्रेड। आगे जो भी न्यूज़ मिलेगी मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो चलो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।